और दोस्तों, मैं आज आपको मेरे अपने गार्डन का पूरा ओवरव्यू दिखाऊंगी, गर्मी में खिलने वाले प्यारे प्यारे फूलों का जानकारी के साथ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ हिबिस्कस का एक प्यारा सा फूल जो मेरे हमेशा खिलते रहते हैं, बहुत बड़े वैरायटी में है। देखिए दोस्तों, और यहाँ जरबेरा भी खिला हुआ है। अप्रैल का महीना है, बहुत गर्मी का सीजन है, और यहाँ भी बहुत सारे हिबिस्कस है, बड़े वैरायटी में, बहुत ही प्यारा प्यारा कलर में। देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा, ये गर्मी बर्दाश्त करने वाली बेस्ट फूल है। गर्मी में इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। देसी वैरायटी के हिबिस्कस ये तो हमेशा 12 महीना खिलते रहती है। ये भी देसी वैरायटी के है, पिंक और वाइट कलर में, ये तो हमेशा खिलते रहते हैं और बहुत ज़्यादा गुच्छों में खिलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ बहुत सारे बर्ड्स आए हुए हैं। कनेर का फूल ऑफ वाइट कलर में, बहुत ही प्यारा कलर, डबल पेटल में। ये मेरे पास दो वैरायटी में है, ये बहुत ही प्यारे होते हैं, गर्मी का बहुत अच्छा फूल है। इसके साथ चांदनी का फूल, इसमें भी फूल खिलने लगे हैं, ये डबल वैरायटी में है, और ये सिंगल वैरायटी में, बहुत प्यारा सा डिज़ाइन में, ये भी गर्मी में खिलने वाले फूल है। जरबेरा भी फूल खिलने लगे हैं, ये सर्दी और अभी सब सीजन में खिलते हैं। इसके साथ मधुकामिनी का पौधा, इसमें भी फूल खिलने लगे हैं, ये बहुत ही खुशबूदार एक फूल होते हैं, बहुत ही प्यारे। ये सब जितने भी गर्मी में खिलने वाले हिबिस्कस है, ये सब बहुत ही कम केयर में चलने वाले पौधे हैं। सिर्फ इसको चाहिए गोबर की खाद, अच्छी मिट्टी और किचन वेस्ट कंपोस्ट, तो इसी में ये बहुत अच्छी खिलते हैं। मोगरा में भी बहुत फूल खिल रहे हैं, मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई थी तो अभी मुझे बहुत सारे फूल मिल रहे हैं। कोलियस को गर्मी से बचाने के लिए आप इन सभी को एक साथ, जितने भी सारे कोलियस के पौधे हैं, रख दीजिएगा सेमी सेड में, तो ये अच्छी रहती है। और सुबह एक बार ज़रूर पानी दीजिएगा, और आवश्यकता पड़ने में शाम को भी, जब धूप ढल जाएगी तो एक बार फिर पानी का स्प्रे दीजिएगा, तो ये अच्छी रहती है। व्हाइट कलर का गुलाब, इसमें भी फूल खिल रहे हैं। ठंड में इसकी बड़ी साइज़ होती है, लेकिन अभी थोड़ा साइज़ कम होती है, छोटी। ये तो गर्मी में खिलने वाले हैं अडेनियम हाइब्रिड वैरायटी के, बहुत ही प्यारा कलर में, इसमें खिलते रहते हैं। अगर आप देसी वैरायटी के फूल बहुत सारे पौधे कटिंग करके लगाएंगे तो ये बहुत सारे बन जाते हैं, तो आपको ये पूजा करने में, घर में डेकोरेशन के काम आते हैं। मैंने पूजा के लिए सारी फूल तोड़ लिए हैं, लेकिन मैं सब नहीं तोड़ती हूँ, कुछ रख देती हूँ पौधे में सुंदरता के लिए, बगीचे की। मोगरा के फूल इतनी खुशबूदार होती है कि क्या कहेंगे दोस्तों। देखिए, आप इस तरह इसको डेकोरेशन भी कर सकते हैं, घर में खुशबू आती रहती है, घर के बदबू गंदगी सब दूर हो जाती है, तो आप इस तरह से डेकोरेशन कर सकते हैं मोगरा से। बलजम का प्लांट, बहुत ही प्यारा फूल खिल रहा है, इसमें भी ये फूल इतने प्यारे होते हैं कि ये 12 महीने खिलते रहते हैं, लेकिन ये बरसात के सीज़न में खिलने वाला फूल है। देखिए दोस्तों, पूरा भर भर के गुच्छों में आए हैं, बहुत अच्छे कलर में। इसके साथ जिनिया का फूल, ये भी 12 महीना खिलते रहते हैं। चाइनीज़ हिबिस्कस, छोटे वैरायटी वाले, बहुत प्यारे, ये हमेशा खिलते रहते हैं। बोगनविलिया, ये भी गर्मी का एक बहुत ही प्यारा सा फूल है। मोगरा में कितनी फ्लावरिंग हो रही है। कनेर का फूल, अडेनियम, मेरे पास 3-4 वैरायटी के अडेनियम है, मेरा सबसे प्यारा फूल, गर्मी का बहुत ही खुशबूदार फूल। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक, बाय बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे, हैप्पी गार्डनिंग।